अगर आप हिंदी में जॉब करना चाहते हो और चाहते हो आपका अप्लाई करते ही सिलेक्शन हो जाए तो आज की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए है। बहुत ही यूनिक 6 से 7 ओपनिंग आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जिसमें बल्क हायरिंग चल रही है अप्रोक्स 5000 प्लस की। इमीडिएट ज्वाइनिंग है विद हाई सैलरी जो की रहने वाली है 39.8K इन हैंड। इसके अलावा आपको मिलेगा हेल्थ इंश्योरेंस, ओवर टाइम पे, अदर बोनसेस प्लस अदर बेनिफिट्स। साथ ही आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट ऑफ द जॉब्स के एचआर की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ, ताकि आप लोग अपने रिज्यूमे को डायरेक्टली एचआर को व्हाट्सएप या फिर मेल कर पाओ। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ एचआर की डिटेल्स शेयर की थी और विद इन सेम डे कैंडिडेट को कॉल भी गई और उनका सिलेक्शन भी हो चुका है। अगर आप 12th पास हो या फिर कोई भी फ्रेशर हो और आपको रिज्यूमे बनाना नहीं आता, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया है आप लोग कैसे इजी वे में अपने स्मार्टफोन के थ्रू ही रिज्यूमे को क्रिएट कर सकते हो, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी फीस या फिर चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, अप्लाई करना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो अब डिटेल में देखते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अप्लाई करने के प्रोसेस को। तो सबसे पहली जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है वो है एपेन की तरफ से। एपेन यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया इवेल्युएटर गिग वर्कर हिंदी इंडिया के लिए। तो हिंदी में ये जॉब रहने वाली है, बहुत ही इजी वर्क है। अगर आपको सोशल मीडिया यूज करना आता है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो और डायरेक्टली आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। रिमोट फुल टाइम एंट्री लेवल जॉब ये रहने वाली है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि आपको सोशल मीडिया यूज करना आना चाहिए। अबाउट दिस जॉब, ज्वाइन दी एपेन टीम एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर प्रोजेक्ट यूओलो पी आर प्रोजेक्ट डिटेक्टिंग लाइव ऑन सोशल मीडिया is all about getting people like you involved in finding and researching fake information online. We want to focus on things that happened recently and could cause some real problem if people believe them. तो यहाँ पे आपका काम क्या रहेगा, एज अ इवेल्युएटर आपको सोशल मीडिया पे चेक करना होगा कौन ऐसा पर्सन है जो फेक इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया में फैला रहा है। आपको उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना है और कंपनी को उसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा, लेकिन ऐसी न्यूज आपको ढूंढनी है जो सच में कोई रियल प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए। हाउ वी डू इट, चेक द फैक्ट्स, वी वांट यू टू कंपेयर व्हाट सेड इन सोशल मीडिया पोस्ट विद रिलायबल इन्फॉर्मेशन टू सी इफ इट इज ट्रू। तो आपको क्रॉस चेक यहाँ पे करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि जो पोस्ट सोशल मीडिया में हुआ है वो रिलायबल इन्फॉर्मेशन से मैच करता है या फिर नहीं। Keep up with what's happening. Use trending maps. Check maps that show what's popular to guide your searches. Watch the repeat liars. Find and keep an eye on people or places that often share fake stuff. तो जो भी फेक स्टफ शेयर कर रहे हैं उन पे आपको नजर रखनी होगी। Try different ways. Look at other sources and try different method to find out what's not true. What we are looking for. For a post to be worth checking, it must. तो अब जो पोस्ट है उसको आपको कैसे चेक करना होगा, कम फ्रॉम सोशल मीडिया एंड बी रिसेंट विद इन द लास्ट 7 or 14 days. तो आपको चेक करना होगा रिसेंट न्यूज में से 7 or 14 days की। बी अबाउट समथिंग दैट कुड सीरियसली फूल पीपल, नॉट जस्ट लिटिल मिस्टेक। तो कोई छोटी मिस्टेक है वो नहीं देखना है आपको, कुछ ऐसी चीज जो सच में कोई सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर पाए उस चीज को आपको यहाँ पे पकड़ना होगा। नॉट बी जस्ट समवन्स ओपिनियन, अ जोक और अ फाइट बिटवीन बिजनेसेस। जैसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स की फाइट चल रही थी तो लोगों ने उसे कवर करना शुरू कर दिया था, बहुत सारे फेक रूमर्स फैलाए थे, तो ऐसी चीज आपको कवर नहीं करनी है। किसी का कोई ओपिनियन है या फिर जोक है उसको भी आपको कवर यहाँ पे नहीं करना है, कोई सीरियस इशू है उसको ही आपको यहाँ पे देखना होगा। व्हाट यू नीड टू शो, Make sure it does not have any made up info, missing detail or fake pictures. तो आपको देखना होगा कि कोई खुद से बनाई हुई information ना हो, missing details ना हो या फिर fake pictures added ना हो. Check it from the last week or two and has at least 15 share or comments or 100 views if it is a video. तो अगर कोई video है आपको ऐसा लगता है वो circulate हो रही है लेकिन वो fake है, तो आपको उसमें ये चेक करना होगा कि इसके शेयर है वो 15 शेयर्स होने चाहिए एटलीस्ट कंप्लेन करने के लिए, या फिर 100 व्यूज वीडियो में आने चाहिए। शेयर द लिंक टू द पोस्ट, तो आपको शेयर करना होगा लिंक को। गिव अस अ लिंक टू प्रूफ लाइक अ फैक्ट चेकिंग साइट,
अब जो भी लिंक आप कंपनी के साथ शेयर करोगे, आपको फैक्ट चेकिंग साइट भी उसके साथ बतानी होगी कि ये फैक्ट है और इस फैक्ट को देख के आपने ये कंसिडर किया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये फेक है. समराइज व्हाट द पोस्ट इज सेइंग एंड हाउ यू चेक इट. हाउ टू फाइंड स्टफ टू चेक. यूज गूगल टू फाइंड आउट व्हाट पीपल आर टॉकिंग अबाउट. लुक एट द न्यूज ऑन गूगल टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन. ट्राई डिफरेंट सर्चेस एंड लुक फॉर व्हाट्स पॉपुलर. चेक सोशल मीडिया फॉर पेजेस दैट ऑफन शेयर थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू, स्पेशली इफ दे आर टॉकिंग अबाउट हॉट टॉपिक्स. तो जो भी करंट टॉपिक्स चल रहे हैं, अगर कोई पेज है ऐसा जो उनके बारे में बात करता है और वो अगर गलत इंफॉर्मेशन फैला रहा है तो उसको आपको कंप्लेन करना होगा. की रिक्वायरमेंट्स. मस्ट बी करेंटली लोकेटेड इन इंडिया, बी फ्लुएंट इन हिंदी एंड हैव प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश. मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड योर वैलिड सोशल मीडिया प्रोफाइल. मस्ट हैव एन एजुकेशनल डिग्री. तो ये यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी. हिंदी आपको आनी चाहिए, प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में, आपको इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए क्योंकि जो आपका इन्फॉर्मेशन आप कलेक्ट करोगे या फिर आपको जो भी पोस्ट पढ़ने होंगे वो इंग्लिश में हो सकता है, तो इतनी इंग्लिश पढ़नी आपको यहाँ पे आनी चाहिए. मस्ट बी एबल टू प्रोवाइड योर वैलिड सोशल मीडिया प्रोफाइल. तो आपकी आपको अपनी वैलिड सोशल मीडिया प्रोफाइल यहाँ पे शेयर करनी होगी जिससे आप लोग चेक करोगे. साथ ही आपके पास इस जॉब को करने के लिए एजुकेशनल डिग्री होनी चाहिए. इफ योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुल यू विल रिसीव एन ईमेल फ्रॉम एपन रिगार्डिंग सेटिंग अप योर पर्सनलाइज्ड अकाउंट इन एपन कनेक्ट. फ्रॉम हियर यू सिंपली रीसेट योर पासवर्ड टू गेन एक्सेस टू योर अकाउंट एंड द प्रोजेक्ट विल बी रेडी एंड वेटिंग. तो जैसे ही आप फॉर्म को फिल करोगे जो कि अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, और उसी फॉर्म का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपकी प्रोफाइल अगर सेलेक्ट हो जाती है तो डायरेक्टली आपको एक मेल आएगा और उस मेल में आपको अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होगी, साथ ही आपको पासवर्ड रीसेट करना होगा और आपका अकाउंट काम करने के लिए रेडी हो जाएगा. यहाँ पे आपका कोई भी इंटरव्यू नहीं होने वाला है, आपको सिर्फ वो फॉर्म फिल करना है जो कि अब मैं आपको बताऊंगी. तो ये है एपन का फॉर्म जिसमें सबसे पहले आपको अपने रिज्यूमे को अटैच करना होगा. इसके बाद आपको अपना फुल नेम देना है, ईमेल, फोन नंबर, करंट लोकेशन एंड करंट कंपनी अगर आप कहीं काम करते हो तो, अगर आपने कहीं काम किया है तो. लेकिन ये कंपलसरी नहीं रहेगा. लिंक्स में आप यहाँ पे अपने लिंक्डइन प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल, यूआरएल दे सकते हो. एप्लीकेशन क्वेश्चन. इन विच कंट्री आर यू करंटली रिसाइडिंग. तो यहाँ से आप इंडिया सेलेक्ट कर सकते हो. In which US state are you currently residing, if applicable? तो NA यहाँ पे मैं यूनाइटेड स्टेट में नहीं रहती हूँ. प्राइमरी लैंग्वेज स्पोकन. तो प्राइमरी लैंग्वेज जो आप स्पीक करते हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है. मैंने हिंदी सेलेक्ट कर ली है. एडिशनल लैंग्वेज रेलिवेंट टू दिस जॉब. इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है. हाईएस्ट एजुकेशन लेवल. आप 12th पास हो, आप अंडर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट हो, सारी एजुकेशन यहाँ पे मेंशन है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो. हाई स्कूल डिप्लोमा और इक्विवेलेंट मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है. डिजायर्ड पे रेट. अब पे रेट आपको कितना चाहिए इस काम को करने का. लेस देन $11 पर आर और $11 टू $20 पर आर मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है. अवेलेबल आवर्स टू वर्क पर वीक. अब वीक में आप कितना काम यहाँ पे कर सकते हो, आपको अपने आवर्स यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे. मैं 30 आवर्स सेलेक्ट कर रही हूँ. अगर कोई आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो जॉब के रिगार्डिंग. अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज है तो वो भी आप यहाँ पे शेयर कर पाओगे. अब यहाँ से मैं जेंडर सेलेक्ट कर रही हूँ. अदर फील्ड मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो आप फिल कर सकते हो. चेकबॉक्स में टिक करके एप्लीकेशन को सबमिट कर देगा. नेक्स्ट ओपनिंग यहाँ पे आई हुई है masterit.com की तरफ से. हिंदी ट्यूटर के लिए ही ओपनिंग है. रिमोट जॉब रहेगी और पार्ट टाइम जॉब ये यहाँ पे आई हुई है. एज अ पार्ट टाइम हिंदी ट्यूटर एट masterit.co यू विल प्ले अ क्रूशियल रोल इन इंस्पायरिंग एंड एम्पावरिंग आवर स्टूडेंट टू डेवलप हिंदी लैंग्वेज स्किल. यू विल वर्क विद लर्नर्स ऑफ वेरियस एजेस एंड बैकग्राउंड्स प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड इंस्ट्रक्शन टू हेल्प देम टू अचीव देयर लैंग्वेज लर्निंग ऑब्जेक्टिव. अब आपकी यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी, यहाँ पे आपको कंडक्ट करने होंगे 1-on-1 और स्मॉल ग्रुप हिंदी लेसन टेलर टू द नीड एंड प्रोफिशिएंसी लेवल ऑफ ईच स्टूडेंट. स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे हिंदी के लेसन लेने होंगे. डेवलप कस्टमाइज लेसन प्लान एंड टीचिंग मटीरियल दैट अलाइन विद आवर करिकुलम एंड द स्पेसिफिक गोल्स ऑफ ईच स्टूडेंट. असिस स्टूडेंट प्रोग्रेस थ्रू रेगुलर इवैल्यूएशन एंड अडैप्ट टीचिंग स्ट्रेटजीज.
provide constructive feedback to students to help them to improve their speaking, listening, reading and writing skill. Keep a great record of student attendance and performance. तो जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड है वो रहेगी आपकी हिंदी में फ्लुएंसी होनी चाहिए, साथ ही हिंदी में अगर आप प्रोफिशिएंट हैं तो आपकी ग्रामर प्रोनाउंसिएशन और वोकैबुलरी तीनों चीजें हिंदी में परफेक्ट होनी चाहिए. प्रीवियस एक्सपीरियंस एज अ नेटिव ट्यूटर और लैंग्वेज टीचर इज प्रिफर्ड. स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगी. पेशेंस, एम्पैथी एंड अ पैशन फॉर टीचिंग रिक्वायर्ड है. तो मेनली यहाँ पे कोई भी एज सच क्वालिफिकेशन नहीं मांगी है. अगर आपको हिंदी बोलनी, पढ़नी, लिखनी और भी ग्रामेटिकली करेक्ट हो, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट हो, वोकैबुलरी करेक्ट हो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. अप्लाई करना होगा डायरेक्टली आपको लिंक्डइन के थ्रू, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आई हुई है डेटा मार्क की तरफ से इंडियन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के लिए. कुछ इंडियन लैंग्वेज के लिए ये ओपनिंग है. वी आर अर्जेंटली हायरिंग फॉर पंजाबी, गुजराती, बंगाली, नेपाली लैंग्वेज इंटरप्रेटर्स एट डेटा मार्क मुंबई. रिमोट ये जॉब है, क्लियरली मेंशन्ड है जो हायरिंग है वो मुंबई महाराष्ट्र से हो रही है, लेकिन ओपनिंग है ये रिमोट ओपनिंग रही. एडवांस स्किल इन द कल्चरल इम्प्लीकेशन एंड आइडियोमेटिक एक्सप्रेशन ऑफ लैंग्वेज. Excellent listening, retention and non-taking skill to maintain a high level of accuracy. Ability to concentrate, stay detached from the conversation and remain neutral and objective at all times. Ability to explain certain cultural concept to avoid miscommunication with the permission or at request of the client. यहाँ पे आपको लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना होगा इंग्लिश टू जो डिजायर्ड लैंग्वेज है पंजाबी, गुजराती, बंगाली एंड नेपाली. यहाँ पे आपको सैलरी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है. एप्लीकेंट शुड बी कंफर्टेबल विद रोटेशनल शिफ्ट इंक्लूडिंग नाइट शिफ्ट. वर्किंग डेज रहेंगे 5 days, 2 days रोटेशनल वीक ऑफ रहेगा. फुल टाइम ये जॉब है. सैलरी रहेगी अप टू 5.33 lakhs पर एनम, 39.8k इन हैंड. वर्क लोकेशन होगी परमानेंट वर्क फ्रॉम होम. अदर अलाउंस भी आपको यहाँ पे मिलेंगे जैसे कि ओवर टाइम पे, मेडिक्लेम एंड अदर इंसेंटिव बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस. यहाँ पे HR की डिटेल अवेलेबल है. आप ये तीन HR की डिटेल यहाँ पे देख सकते हो. अगर आपको लगता है आप दी हुई लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट हो तो डायरेक्टली HR को अपने रिज्यूमे मेल कर सकते हो. नेक्स्ट ओपनिंग यहाँ पे आई हुई है एस्ट्रोटॉक की तरफ से. ये चैट सपोर्ट एग्जीक्यूटिव फ्रेशर के लिए ओपनिंग है. रिमोट जॉब रहेगी, इमीडिएट हायरिंग है. सैलरी रहेगी 2,40,000 से लेकर 3 lakh पर एनम की. एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है 0 to 1 year एंड अप्लाई बाय 23 August 2024. यहाँ पे जो आपकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी आपको असिस्ट करना होगा कस्टमर को एफिशिएंटली एंड प्रॉम्प्टली मेंटेनिंग अ पोलाइट डिमीनर व्हाइल एड्रेसिंग देयर इंक्वायरीज एंड रिजॉल्विंग इश्यूज. कंसिस्टेंटली अडेयर टू कम्युनिकेशन गाइडलाइंस एंड रेगुलेशन एंश्योरिंग दैट इंटरेक्शन आर कंडक्टेड अंडर एस्टेब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स. Utilize chat platform to effectively troubleshoot and resolve customer problem. तो इस जॉब को करने के लिए इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायर्ड है, स्पोकन एंड रिटन दोनों. ये जो जॉब है इंटर्नशाला में आई हुई है तो आपको यहाँ पे इंटर्नशाला की प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी एंड देन आप इस जॉब में अप्लाई कर सकते हो. नेक्स्ट जो ओपनिंग यहाँ पे आई हुई है ये है फ्लिपकार्ट वॉइस प्रोसेस के लिए. टेक महिंद्रा यहाँ पे हायरिंग कर रही है. एसोसिएट लेवल के लिए हायरिंग यहाँ पे चल रही है. यहाँ पे आपको कस्टमर की क्वेरीज को रिजोल्व करना होगा वाया कॉल सपोर्ट. आपको यहाँ पे कस्टमर की क्वेरी को रिजोल्व करना होगा. मैंडेटरी क्राइटेरिया है यहाँ पे हाई स्कूल पास एंड फ्रेशर कैन अप्लाई. तो 12th पास यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. साथ ही अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए. एक्सीलेंट वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स इंग्लिश एंड हिंदी में रिक्वायर्ड रहेंगी विदाउट मेजर MTL. Should not have applied for any Flipkart interview in last 3 months. तो अगर आपने Flipkart interview के लिए पहले apply किया है within 3 months आप यहाँ पे apply नहीं कर सकते हो. Customer orientation, ready to work 24/7, no planned leave upcoming 3 months after joining. 9-hour day की आपकी shift रहेगी, 8 hours जिसमें आपका work होगा and 1 hour का आपको break मिलेगा. अब यहाँ पे आपके पास लैपटॉप अपना होना चाहिए, साथ ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी आपका ही होना चाहिए. सिस्टम कॉन्फ़िगरेशंस यहाँ पे रिक्वायर्ड रहेंगे विंडोज 10 एंड विंडोज 11. 8 GB रैम होनी चाहिए. मस्ट हैव ओन ब्रॉडबैंड वाईफाई कनेक्शन, i3 प्रोसेसर एंड अबव.
पावर बैकअप होना चाहिए, नॉइस कैंसिलेशन, यूएसबी हैंडसेट का आपको रीएम्बर्समेंट मिलेगा जो कि 1000 रुपए का होगा। अब इंटरव्यू राउंड्स भी यहाँ पे होंगे, एचआर राउंड होगा जो कि वीडियो कॉल होगा जिसमें जनरल चेक होगा, 25 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए विद इन 2 मिनट। फिर PMATS टेस्ट होगा वर्सेंट 4 टू बी क्लियर टू प्रोसीड विद फर्दर राउंड ऑफ इंटरव्यू। इको असेसमेंट, वॉइस इंटरव्यू, वीडियो कॉल। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे एचआर की डिटेल देख सकते हो, आप चाहो तो मेल भी कर सकते हो या फिर फोन नंबर भी मेंशन है, इस फोन नंबर पे आप लोग अपने रिज्यूमे को शेयर कर सकते हो। ऐसे ही टेक महिंद्रा की अलग प्रोफाइल्स के लिए, अलग जॉब रोल्स के लिए भी ओपनिंग यहाँ पे आई हुई है। टेक महिंद्रा कई सारे ई कॉमर्स कंपनी को सपोर्ट देता है जैसे कि अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट। अगर आप अदर जॉब रोल्स में भी अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आप जॉब रोल रीड कर सकते हो, साथ ही एचआर की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन है। एचआर को जब भी आप अपने रिज्यूमे में व्हाट्सएप करो, व्हाट्सएप करते हुए एचआर ने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपको अपना सीवी या फिर रिज्यूमे में ड्रॉप करना है, उसके साथ ही आपको लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन भी शेयर करनी होगी। और यहाँ पे ये मेंशन है कि आपको लैपटॉप स्पेसिफिकेशन फोटो शेयर करनी है, आपको अपने लैपटॉप में स्पेसिफिकेशन ओपन करनी है और उसकी फोटो आपको सेंड करनी होगी एचआर को। और ओपनिंग है यहाँ पे टेक महिंद्रा की तरफ से, क्योंकि टेक महिंद्रा अभी बल्क हायरिंग कर रही है और यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा चांसेस है सेलेक्ट होने के, तो टेक महिंद्रा पे अभी आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट एचआर की डिटेल भी आप यहाँ पे देख सकते हो, इस नंबर पे भी आप लोग अपने रिज्यूमे को व्हाट्सएप कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट डिटेल, फिर भी आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।